बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वालों को सीधा यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि उनकी सात पीढ़ियां इस चीज को याद रखेंगी। किसी ने ऐसा किया तो उनकी पीढ़ियों को इसका लेना देना पड़ जाएगा, ऐसा कहना है यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का। साफ तौर पर उन्होंने आपको बता दें, जनसभा को संबोधित करते हुए कोलकाता रेप केस पर अपनी टिप्पणी साधी है और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि सिर्फ वही एक केस नहीं बल्कि बाकी भी जो केस जिसमें लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया जाता है या उनके साथ गलत किया जाता है, ऐसा करने वालों को, गुंडागर्दी करने वालों को सीधे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। क्या कुछ शब्द है आपको बता दें यूपी सीएम योगी के, क्या कुछ शब्द है ये मैं आपको सुनाऊं। बुधवार को अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये कहा है कि हमारी सरकार में बेटियों की सुरक्षा के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे सीधा यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस करने वालों को यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी ने अगर ऐसा किया तो उनकी पीढ़ियों को लेने देना पड़ जाएगा। साफ तौर पर ये धमकी उन तमाम लोगों को दे दी है जो क्राइम अटेम्प्ट करने का सोचते हैं या लड़कियों के साथ जो है छेड़छाड़ करने का सोचते हैं या फिर इस तरह का दुस्साहस करने का सोचते हैं। अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं कि ये चीज जो है वो फिलहाल जानकर सामने आ रही है और इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि इस समय जो माहौल इस समय भारत का बना हुआ है, एक के बाद एक रेप केस सामने आ रहे हैं और बताया जाता है कि हर रोज कितने रेप केस जो है वो दर्ज किए जाते हैं और कितने केस ऐसे हैं जो आज तक कभी दर्ज भी नहीं किए गए हैं। देखिए लगातार इस तरह से कहीं ना कहीं लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पर रोकथाम लगाने के लिए साथ ही साथ अपने इलाके के बारे में ये भी कहा है कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा करता है, अगर इस इलाके में कोई ऐसा करता है तो साफ तौर पर उसे यमराज के पास पहुंचा दिया जाएगा। ये शब्द है सीएम आदित्यनाथ योगी के और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इस समय तमाम लोगों को जो है वो अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई भी करेगा तो बहुत कड़े नियम उनके लिए बनाए जाएंगे, सख्ती से उन्हें सजा दी जाएगी। आप लोग किस तरह से देखते हैं, अगर इसी तरह की वाणी, अगर इसी तरह के शब्द हर किसी के हो जाए तो आपको नहीं लगता है कि हमारे इलाके से जो है वो क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा? अगर इतना ही गुस्सा जो है वो बाकी पॉलिटिशियंस के अंदर भी हो या फिर इतना ही गुस्सा हमारे लॉ में भी हो तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो सामने आती है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हालांकि इस पर मैं अभी आपको बता दूं कि जब ये फिलहाल वाकयात सामने आया जिस पर की सीएम ने ये बताया है, बोला है कि बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, अगर ऐसा कोई करता है तो सख्त से सख्त कार्यवाही उन पर की जाएगी, तो ये तमाम चीजें जो है वो आपके सामने है। फिलहाल एक बार अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा कि किस तरह से इसे देखते हैं और आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे और कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।